दोस्तों जिस खिलाड़ी को पूरे मैच में नहीं खिलाया उस खिलाड़ी ने हारे हुए मैच में भारतीय टीम को जीत दिलवाई। जहां दोस्तों भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच खेला जा रहा था और इस वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहतरीन रही क्योंकि केएल राहुल ने 33 गेंदों में 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। तो वहीं इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 33 गेंदों में 50 रन बनाए और इस तरह भारतीय टीम का स्कोर पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 186 रन पर पहुंचा था 7 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से केन रिचर्डसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करके 4 बड़े विकेट अपने नाम किए थे और जब इसके बाद भारतीय टीम गेंदबाजी करने उतरी तो भारतीय टीम की शुरुआत कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं रही गेंदबाजी में क्योंकि भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई हो रही थी एरोन फिंच और मिचेल मार्श के द्वारा। ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 64 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप करी थी। जहां ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका भुवनेश्वर कुमार ने दिया और मिचेल मार्श 18 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन इस मैच में कप्तान एरोन फिंच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को जीत के काफी करीब ले जा रहे थे। जहां भारतीय गेंदबाजों की इस मैच में पिटाई तो हो ही रही थी, लेकिन एक तरफ मोहम्मद शमी को इस मैच में एक भी ओवर डालने को नहीं मिल रहा था। जहां एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये मैच बड़े आराम से हारने वाली है क्योंकि मैक्सवेल और एरोन फिंच काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और वो भारतीय गेंदबाजों पर जमकर बरस रहे थे। और जब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 2 ओवर में ये मैच जीतने के लिए केवल 16 रन बनाने थे और उनके हाथ में काफी विकेट बाकी थे और तभी 19वां ओवर हर्षल पटेल डालने आए और ऑस्ट्रेलिया के 19वें ओवर की शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके लगे। जहां पहले हर्षल पटेल ने एरोन फिंच को आउट करा और फिंच 54 गेंदों में 76 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। तो वहीं अगली गेंद पर टीम डेविड 5 रन बनाकर विराट कोहली के हाथों रन आउट हो गए थे और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में ये मैच जीतने के लिए केवल 11 रन बनाने थे और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब ये मैच जीत जाएगी। लेकिन तभी इसके बाद मोहम्मद शमी आखिरी ओवर करने आए और ये उनका पूरे मैच में पहला ओवर था जहां शमी ने आखिरी ओवर की 2 गेंदों पर पहले 2-2 रन दे दिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने पहले तीसरी गेंद पर पैट कमिंग्स को आउट किया और इसके बाद चौथी गेंद पर एस्टन अगर रन आउट हो बैठे थे तो पांचवी गेंद पर जॉस इग्लिस को मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड मारा और इसके बाद आखिरी गेंद पर भी केन रिचर्डसन को मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड मार दिया और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल 180 रन बना पाई थी और ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट भी हो गई थी। जहां आखिरी ओवर मोहम्मद शमी ने डाला और उन्होंने आखिरी ओवर में केवल 4 रन दिए और 3 बड़े विकेट अपने नाम किए और एक रन आउट भी था और इस तरह भारतीय टीम की तरफ से जिस खिलाड़ी को पूरे मैच में एक भी ओवर डालने को नहीं मिला लेकिन आखिरी ओवर डालकर उसने भारतीय टीम को जीत दिलवा दी। दोस्तों आपको मोहम्मद शमी की गेंदबाजी इस मैच में कैसी लगी थी, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।